पहली बार हो रहा है 15-20 अल्टोज ओनर है, तो जो भी कोई गाड़ी लेने वाला हो सकता है उसके लिए हेल्पफुल हो, तो से हाय एवरीवन। क्योंकि अल्टोज के बहुत सारे रिव्यूज आ चुके हैं, तो मैं पूरा जो रिव्यू है वो नहीं लेने वाला। तो जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसी है, एक प्रोज एक कॉन जो सबसे बड़ा लगता है वो मैं जितने भी ओनर हैं हमारे सभी ओनर से पूछने वाला हूँ। शुरू आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पुष्कर है। मैं अल्ट्रोज एक्सजेड ओ मॉडल है, ये जुलाई 2020 से ओन कर रहा हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का जो है मेरा वो परफेक्ट है। जिस रीज़न से मैंने लिए थे वो सारे रीज़न फुलफिल कर रहा है, कोई अभी तक इशू नहीं आया है। ओवरऑल सर्विस क्वालिटी भी, मुझे सर्विस में भी अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया है, एंड प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। परफेक्ट। एक प्रोज एक कॉन्स बता दीजिए। प्रोस में बिल्ड क्वालिटी, म्यूज़िक एंड हैंडलिंग, ये सब बहुत अच्छा है। अगर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में यस थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह जो होता है, और जो मेन टाटा में जो अब तक बाकी लोगों ने रिव्यूज़ में शेयर किया है जो छोटे छोटे कॉन्स हैं, दैट्स इट। विनय राजपूत, एक्सएम प्लस में अप्रैल में मैंने इसको ख़रीदा था। प्रोडक्ट का अच्छा है एक्सपीरियंस, एवरेज भी बढ़िया है गाड़ी का और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। सर्विस में थोड़ा सा है, आपको इश्यू है, तो इम्प्रूव करना चाहिए सर्विस। इसके प्रोज और कॉन्स आपको क्या क्या लगते हैं? इसका मतलब ठीक है, इसकी हैंडलिंग पावर बढ़िया है और बाकी इंटीरियर सब अच्छा है इसका। कॉन्स क्या लगते हैं आपको? वो ये नॉइस वगैरह आती है। नॉइस वगैरह आती है। अप्रैल में लिया मैंने, एक्सी ऑप्शनल पेट्रोल। प्रोडक्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है, मेरे को तो कोई नो सच फीडबैक। स्टीयरिंग फीडबैक, सस्पेंशन में सबसे अच्छा लगा। सर्विस मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरा सर्विस स्टेशन वाला इज़ वेरी नाइस। उसमें मेरा सेकंड सर्विस कल ही हुआ था, सो ऐसा कोई इशू नहीं है। ओनली फीडबैक इज इनिशियल रेव में थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉट एन एंथुजियास्ट कार फॉर श्योर, बट ओवरऑल समवन लाइक मी, मेरे को तो स्मूथ काइंड ऑफ ड्राइव मेरे लिए बहुत अच्छा है। प्रोज एंड कॉन्स क्या लगते हैं? कॉन्स इनिशियल पिकअप इज ओनली कॉन, प्रोस ऑफ कोर्स सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग फीडबैक। परफेक्ट। मेरा नाम भारत है, मैंने ये 1st of March 2020 में ली थी। एक्सजेड मॉडल है मेरी गाड़ी का। डेढ़ साल करीब हो गए, 17,000 चल चुकी है। और ये प्रोडक्ट कैसी है? प्रोडक्ट नो डाउट अच्छा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे फेस हुई हैं, जैसे एसी में इशू हुआ था मुझे, जैसे 20 डिग्री बाहर होता है मेरे में, फिर भी एसी को मैं 30 पे सेट करता हूँ तो ठंडी हवा देता है उस टाइम। हम स्वेटर डाल के बैठे गाड़ी, फिर भी ठंडी हवा दे रही है। और मतलब गाड़ी वैसे चलने में अच्छी है, लेकिन थोड़ी पेंट की क्वालिटी भी इशू, रस्टिंग इशू भी आए हैं मुझे। रस्टिंग इशू आपको आया? हाँ जी। अच्छा, तो सर्विस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जिसको रिकमेंड करूँगा, जिसको अगर सर्विस अगर अच्छी मिल रही है कहीं पे तो वो बंदा ले सकता है, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर है। बहुत सारे गाड़ी में सस्पेंशन अच्छा, स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, मैं काफ़ी हाई स्पीड पे चला चुका हूँ, कॉर्नरिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है इस गाड़ी में। कौन सी है कि सर्विस अगर इसकी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है टाटा को। मेरा नाम संचित है और मैंने जैन 2020 में ली थी। आई एम द फर्स्ट ओनर ऑफ अल्ट्रोज इन इंडिया और मुझे लगभग 10,000 किलोमीटर में रन कर चुका हूँ, एंड अभी तक का फीडबैक मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। दूसरों ने बहुत कंप्लेंट्स किए बट मुझे अब तक मतलब कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है, कि निगल फ्री एक्सपीरियंस अभी तक का है। तो सर्विस भी अच्छी है। कैसा लगता है? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो जब 45X करके जब इनका कॉन्सेप्ट आया था तब से मैं फॉलो कर रहा था। अच्छा। और मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल से मैं फॉलो कर रहा था इसको, और जब मार्च अप्रैल 2019 से जब इनका वो एक माहौल बना था लॉन्च होने का, तब से मैं मतलब बलेनो का मेरा प्लान था वो कैंसिल करके मैंने फिर अल्ट्रोज ही चूज़ की थी। सर्विस अभी तक मुझे जैसे अच्छी मिली, मतलब मुझे अभी तक कोई कंप्लेन हुई नहीं है, मतलब अभी तक जो भी इशूज़ हैं वो सॉल्व भी किए हैं। कॉन्स में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनिशियल लैग, वही जो क्या कहते हैं 1000 to 2000 RPM में जो है, और कभी कभार हिली एरिया में जैसे थोड़ा सा एक डेट पड़ जाती है, मतलब वो एक दो पावर जो, हाँ पावर नहीं है, थोड़ा पावर लैग है, बट उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, वैल्यू फॉर मनी है, कि मतलब उस बजट में अगर मैं आज भी अगर 1.5 साल बाद भी अगर सोचना चाहूँ कि उस बजट में मुझे कौन सी कार चूज करनी है, मैं यही करूँगा। ऑप्शन ली थी जुलाई 2020 XZ टॉप एंड है। तो प्रोडक्ट आपके हिसाब से कैसा है? प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने अभी तक इसको 1 साल में 17,500 किलोमीटर चला दिया है। 1 साल में
क्लोज टू 18,000। सर्विस आपको कैसा लगता है? सर्विस मतलब एवरेज है, मतलब ये है कि हाँ मिक्स्ड है, मतलब कभी कभी अच्छा भी मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हैम्पर होता है, हाँ, बट ओवरऑल इट्स ओके। प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या लगते हैं आपको? वेल, प्रोज तो इसमें है काफ़ी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग सभी ने बोला होगा, ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। कॉन्स में वही है कि जो एक इंजन की नॉइज़ आती है वो, हालांकि उसका एक फिक्स आ गया, अब धीरे धीरे करके हम लोग करवाएंगे उसको, मे बी उससे चीज़ें सही हो जाएँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत सर्विस में है, जैसे कि पहले भी हमने वीडियोज़ में बताया कि अगर आपको टाटा की गाड़ी लेनी तो पहले आप सर्विस का देख लीजिए, सर्विस इनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बट आप इसको एक फैमिली कार के पर्पज से देख रहे हो तो हाँ, इस गाड़ी में इंजन वैसा नहीं है कि आप एक एंथुजियास्टिक बंदा इसको मतलब थोड़ा सा वैसे करके गाड़ी चलाए जो रफ, ये गाड़ी रफ चलाने वालों के लिए नहीं है, आराम से चलो, हाँ आराम के मतलब नॉर्मल स्पीड में, स्टेबल स्पीड में चलो, गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये ली थी दिसंबर 2020 में, इज वैल्यू फॉर मनी। अब तक मार्केट में जितने पहले स्टडी 6 महीने स्टडी करी उसके बाद ली। तो सर्विस अभी तक का क्या एक्सपीरियंस? सर्विस सभी एक ही बार सर्विस हुई है तो अभी तक तो ठीक तो अभी तक तो ठीक है, भगवान करे कि बाद में भी सही रहे। तो इस गाड़ी का ना प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिएगा आपके हिसाब से। कॉन्स तो जो हां जो सब फेस कर रहे हैं इनिशियल लाइक। माय नेम इज भरत, आई परचेज दिस कार इन फेब 2020। अभी तक कितनी चला? ओह माय गॉड, तो कैसी चल रही है? हाउ इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज वेरी वेल, I have run around 17,000 kilometers. चला लिया आपने? और सर्विस का अभी तक experience कैसा? I have no issue with the service. And pros and cons बता दीजिए इस गाड़ी में अभी तक जो भी आपको लगे हैं। Pros number one you can say about the stability. गाड़ी performs very well in the like the stable condition. And for con you can say the initial lag. Initial lag. ये सभी का feedback है। Initial pickup is very less as compared to other vehicles. But once the vehicle picks its speed, absolutely it is very good because of the weight it performs very well. My name is Mayank. When did you buy this car? मैंने ये कार 25 दिसंबर 2020, अच्छा तब बाई की थी। हाँ, तो अभी तक प्रोडक्ट कैसा लगा आपको? प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, बट जैसे इनकी सर्विसिंग मेन प्रॉब्लम वहीं आती है, क्योंकि आपको मेन डीलिंग प्रोडक्ट खरीदने के बाद करनी पड़ती है। वैसे नो डाउट, पर मेरा सर्विसिंग का जो भी अभी तक जितनी भी सर्विसिंग हुई है उन सब का रिव्यू ठीक, मेरे साथ अच्छा रहा है, मेरे साथ कोई ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब तो ये लोग ना अल्ट्रोज ओनर से जुड़े पड़े हैं, तो वहाँ से बहुत सारी कॉन्स वगैरह और प्रोज वगैरह सब बात होती है, तो अब उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि सर्विसेज में बहुतों की इशू आ रहा है ना, क्योंकि ग्रुप में जब आप जुड़ जाते हैं ना तो आपको गाड़ी के ना हिस्ट्री पता चल जाती है, प्लस उसका सॉल्यूशन भी एट ए टाइम आपको पता चल जाता है, क्योंकि ओनर्स वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उसके बिहाफ पे जो उन्हें सॉल्यूशन मिला है वो आपको भी एट ए टाइम मिल जाता है, तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं होता, क्योंकि आप जाके सर्विस सेंटर में भी जाके आप बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो ये इसका ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, तो उन्हें भी नॉलेज हो जाती है अगर नहीं होगी, और हमें भी नॉलेज हो जाती है इस हिसाब से कि हमारे पास भी नॉलेज होती है। परफेक्ट, तो प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए अभी तक जो भी आपने फील किया इस गाड़ी में। प्रोज एंड कॉन्स, मेरे को कोई कॉन अभी तक मिला नहीं, बस इशू ये था कि AL03 पे जब तक ये अपडेटेड थी तब तक जर्किंग थे, उसके बाद अब वो जर्क कम हुए हैं, पर एज ऑफ वेट रेशियो एंड वो सब कुछ देख के वो सब नेग्लिजिबल है, क्योंकि सेफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा। मेरा नाम विनय तिवारी है और गाड़ी मेरी जो भी आज जस्ट 2 महीने कम्प्लीट हुए हैं। वंडरफुल, न्यू ओनर 2 महीने हुए। अभी 2 अगस्त को मैंने गाड़ी ली। कितनी चला ली आपने? 2500 किलोमीटर चल। 2 महीने चला ली? कहाँ चलाते हो? बस सिटी में ही आना जाना, ऑफिस आना जाना। तो 2 महीने में प्रोडक्ट कैसा लगा अभी तक? सब मुझे एक्चुअली गाड़ी के साथ अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और प्रोज की बात करें, मतलब आप अगर 8-9 लाख रुपए देकर ठीक है, आप जो फीचर पा रहे हो ठीक है, और प्लस आपके जान की सेफ्टी, दो चीज आप एक्चुअली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रो कॉन्स ठीक है, तो आप दोनों चीज मतलब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, तो आपको कुछ कमी रहेगी, कुछ आपका ठीक रहेगा। आई अग्री 100%। तो इसमें फीचर्स वाइज कम्प्लीटली फुली फीचर्स है, अगर मतलब आपको, मैं कहता हूँ कि 9 लाख रुपये लगाने में मैंने 1 रुपये बाहर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया, जो जरूरत की सामान होती है सब मुझे मिल गया। और कॉन्स की बात करूँ, कॉन्स तो
मतलब कौन सा, अभी तक मुझे तो गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे डर किस बात का लगता है क्योंकि जैसे मैं सुनाई देती है बात सुनाई देती है, अब मुझे डर जैसे इस एक बात का डर होता है भाई गाड़ी कुछ खराब ना हो, ये तो चलो सब सार गाड़ी के साथ है, लेकिन मेरी टाटा वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, खराब हो गई तो सही नहीं होगी, इस बात का डर ज्यादा है क्योंकि जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है ना, अभी मेरा तो नहीं है, मेरा फर्स्ट सर्विस हुई है मुझे 2 घंटे, लेकिन लोगों से सुना, लेकिन सुनने के बाद ना वो अंदर डर बैठा हुआ है कि भगवान करे गाड़ी में कुछ खराब ना हो, बिल्कुल हम प्रे करते हैं कि ना खराब हो, ये 20 साल तक ऐसी क्योंकि मशीन है, खराब होती है बन जाती है, लेकिन दिक्कत ये जाती है ये बनेगी कि नहीं बनेगी, टेंशन इस बात की रहती है, बाकी और सब कुछ अच्छा है। हेलो जितेंद्र शर्मा, एक्चुअली गाड़ी मैंने ली थी अक्टूबर 20 में, अक्टूबर 20 वाले मैक्सिमम एक्चुअली मेरे पास जो वेरियंट है वो एक्सी रिदम पैक है। अच्छा, तो रिदम पैक मैंने बेसिकली लिया इसीलिए था कि ऑल्ट्रोज मार्केट में नहीं थी, उसका फीडबैक कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को टॉप मॉडल लेके क्या काम करने थे एक्सी में नहीं करने थे, तो बस ओवरऑल यही था कि मैं एक ले लूँ बस, फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या रिव्यू है, उसके बाद हम अपग्रेड कर लेंगे। वेरी स्मार्ट, दूसरा बिल्कुल, और दूसरा एक माइंड में इशू था कि भाई कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड है, लॉन्ग रन पे ज़्यादा चली है मेरी गाड़ी, अभी तक चल चुकी है 9.5 के अप्रोक्स, जिसमें से 8,000 आई थिंक शायद लॉन्ग रूट पे गई है। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल अभी तक का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है? प्रोडक्ट नाइस, बिल्ड क्वालिटी नाइस, लुक्स वाइज आपको पता ही है, बस कौन जो है सिर्फ एक इनिशियल जो पिकअप है हमारा फर्स्ट 2 गियर्स में वो, बट हाँ जब आप तीसरे गियर पे शिफ्ट करते हो तब उसके बाद आपको वो फील भी नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बड़ी स्मूथ चलती है, कोई इशू नहीं है, बस एक दिक्कत जो है बैक साइड में डस्ट बहुत पकड़ती है डिजाइन। सर्विस का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर्विस का एक्सपीरियंस ऐसा है, अगर आपका कोई नॉन टू है टाटा में, आप कुछ भी जा रहे हो कुछ कर रहे हो, अगर आपका कोई नॉन टू है, आपका जुगाड़ है, तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया है, वरना थोड़ा मुश्किल है। वरना थोड़ा मुश्किल क्या है, एक्चुअली क्या होता है उनके पास भी वर्कलोड है, वो काम चोरी करते 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 कहीं पे भी, एक्चुअली टाटा के साथ नहीं है, हर कहीं पे है, आप कहीं पे भी जाओगे ऐसा कोई माइंड सेट वो नहीं है कि टाटा ही है, पैसे कमाने के लिए, बिल्कुल सारे के सारे पैसा कमाने के लिए बैठे हुए। जो अभी तक की जो टॉप स्पीड गई है 165 में कर चुका हूँ, उसी बेसिस पे अगर 3 सिलेंडर इंजन 1200 cc 165 आपका जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, कुछ नहीं है, दैट्स फाइन, बाकी भगानी कहीं है नहीं, रैलियां करनी नहीं है, फैमिली कार के लिए ली रखी है उसी में यूज करनी है। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं मार्च 2020 मिली थी। हाँ, जो इनका वीडियो है पहले वाला जो 8 लाख व्यूज हो चुके हैं, उसके बाद जो इशू आया था वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने लिंक पे दे रखा है, ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अभी तक का जो प्रोडक्ट का आपका जो एक्सपीरियंस है कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है? मेरा मिला जुला है, मेरे को जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, मैं अब जाता भी नहीं दिखाता भी नहीं, वो एसी का वही नॉब एक तो टाइट है हाँ। और पैरों पे हवा ज़्यादा फेंकता है। अच्छा, वो अभी तक सही नहीं हुआ, वो अभी तक कितने भी करवा उस टाइम चलता है थोड़ा ठीक रहता है, फिर 2-3 दिन बाद चलती चलती फिर दोबारा सेम हो जाता है। और तो कितना एस्केलेट किया हमने फिर भी नहीं किया, वो नहीं किया, मैं जाता ही नहीं क्योंकि जाऊँगा बेकार में, गाड़ी भी रखेंगे वो कुछ से कुछ करेंगे। अब यही रीज़न है लोग टाटा पे भरोसा नहीं करते, इनका हमने वीडियो भी बनाया, इन्होंने एस्केलेट किया, बहुत बात हुई, उसके बाद भी कहते हैं ढक के 3 पार वही हुआ है। तो मेरे को तो ठीक, अब उसके अलावा बाकी सब ठीक लगता है, तो चपली चला रहा हूँ मैं, उसके लिए जाता नहीं अब सर्विस, तो सर्विस पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रेजोल्यूशन मिला नहीं है, तो अगेन अगर गाड़ी लेना चाहता है तो कैसे लेना चाहिए देख लो अपने हिसाब से। मैं क्या कहूँ, किसी को पसंद आती है तो कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे। मैंने भी बहुत नेगेटिव वीडियोस देखता था, लेकिन भैया जिसपे पसंद आ गया तो कोई कुछ नहीं करता, आदमी बस जिद्दी होता है। डिज़ाइन वगैरह अच्छा है ना इसका, थोड़ा डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है। थैंक यू अजीत भाई। और दोस्तों यही था जो हमारे 15-16 ओनर हैं NCR के, इन सब का फीडबैक आपको पता चल चुका है कि गाड़ी कैसी है, क्या है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप अगर डिसाइड कर सकते हो कि गाड़ी अगर आपको लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है R&D करने के बाद तो आप ले सकते हो। और होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगाओ, आपसे दोबारा मिलता है ऐसी किसी वीडियो में, टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय।